पटना में सीबीआई की गिरफ्तारियों ने नीट पेपर लीक मामले में कई खुलासे किए हैं। पेपर लीक के जो सरगना संजीव मुखिया हैं, उनके बारे में अन्य आरोपियों से पूछताछ की गई है, जिसमें संजीव मुखिया के काले साम्राज्य को लेकर के कई चौंकाने वाली बातें भी जो है वो सामने आई है। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी संजीव किसी फर्म की तरह ही पेपर लीक का पूरा नेटवर्क चलाता था और पेपर लीक का पूरा गिरोह संजीव मुखिया के इशारों पर नाचता था। नीट पेपर लीक की जांच के दौरान पटना सीबीआई ने कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी की है, जिसने नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के नेटवर्क का पता लगाया। पुलिस को पता लगा है कि संजीव पेपर लीक का मास्टरमाइंड था, उसने इस काम के लिए कई लोग हायर किए थे। आरोपी संजीव ने नेटवर्क में लड़कों को सैलरी पर रखा हुआ था, कई लड़कों को इस काम के लिए बाइक भी दी गई थी। जांच में पता चला है कि नालंदा और पटना जिले में संजीव मुखिया के पास 30 कर्मचारी थे जिन्हें वो सैलरी भी दिया करता था। वो बेरोजगार, तेज तर्रार और भरोसेमंद युवकों को अपने नेटवर्क में शामिल किया करता था। नीट पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया उर्फ लूटन की तलाश कर रही है। संजीव मुखिया पेपर लीक गिरोह को नालंदा से ही ऑपरेट किया करता था। आरोपियों ने बताया है कि संजीव देश के किसी भी कोने में हो सकता है, वो नेपाल भी अक्सर जाता रहता है। संजीव मुखिया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य कई जिलों में अपने कॉन्टैक्ट बनाए हुए हैं। सीबीआई की टीम फिलहाल 6 राज्यों में संजीव मुखिया की तलाश कर रही है। जांच में पता चला है कि यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में पकड़े रवि अत्री भी संजीव मुखिया से जुड़ा है। संजीव मुखिया पुलिस के हाथ लगता है तो नीट के अलावा यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती, रेवेन्यू ऑफिसर भर्ती पेपर लीक, बिहार शिक्षक भर्ती समेत कई परीक्षाओं के पेपर लीक की जो गुत्थी है वो सुलझ सकती है। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि जो संजीव मुखिया है वो नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड है, यही वो मेन कड़ी है जो अगर पकड़ा जाता है तो इससे पूछताछ करने के बाद ये पेपर लीक मामला जो है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। खबर जो भी हो आपको अपडेट जरूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।